एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में 500 सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, जब 1,74,000 वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। राम नाम पर ऐसी पाबंदी की अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया क्योंकि वो राम नाम बोल रहे थे। जिस समय फायरिंग के बाद वहां कोई नहीं था तो हनुमान जी के रूप में एक वानर ध्वजा को पकड़े हुए वहां बैठे। सच चुका है अयोध्या धाम, खिल उठा है अयोध्या धाम, समर उठा है अयोध्या धाम, जोरों शोरों से चल रहा है मंदिर के निर्माण का काम, क्योंकि आ रहे हैं रघुवंशी अयोध्यापति प्रभु श्री राम। कुछ ही दिनों में श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में 500 सालों से न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने जीवन के 50 साल कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और फिर पुनः निर्माण तक ही सीमित नहीं, ये सदियों पुराना है। जब 1,74,000 वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी, जो एक ऐसी सोच का परिणाम थी जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ऐसी दुर्दांत और क्रूर शक्तियों का पदार्पण इस धरती पर हो चुका था जहां बच्चों और स्त्रियों को सबसे पहले शिकार बनाया जाता था। इसलिए याद रखिए कि श्री राम मंदिर निर्माण केवल ईंटों और पत्थरों से बनी संरचना नहीं, ये उन मानव मूल्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश है जिन्हें भारत की भूमि से मिटाने की कोशिश सैकड़ों सालों से की जा रही है। अवध यानी अयोध्या, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसको भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तब से सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक यहाँ रहा। अयोध्या में उनके पुत्र श्री राम पुत्र कुश ने ही जन्मभूमि मंदिर बनाया था, जहां कुश के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने राज किया, जिसमें अंतिम राजा थे बृहद्बल। उनकी मृत्यु के बहुत समय पश्चात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य जब एक बार अयोध्या आए, तब पास के योगियों और संतों के माध्यम से उन्हें स्थान की पहचान हुई कि यही अयोध्या है। तब उन्होंने वहां पर एक बड़ा मंदिर और उसके साथ कुआं, महल और कई तालाब बनवाए। उन्होंने राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर एक बड़ा मंदिर बनवाया था, और ये मंदिर काफी समय तक यूं ही बने रहे। फिर क्या हुआ? तो सच्चाई की लड़ाई रातों रात नहीं जीती जाती, इसके संघर्ष में 2-4-10 सालों के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों सालों तक आपको लड़ना पड़ता है। कहानी तब की है जब एक हमलावर बाबर अपनी क्रूरता के दम पर भारत में सत्ता हथियाने में सफल हो जाता है, और उसके सेनापति मीर बांकी द्वारा सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा जाना एक ऐसी अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट किया था। कारण साफ था, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर आक्रमण भारत की आत्मा पर आक्रमण था, जहां हर भारतीय के रोम रोम में राम बसते हैं। साधु संतों और सन्यासियों की सेनाओं ने एकजुट होकर जैसे तैसे मिले शस्त्रों से मुगल सेना से युद्ध किया। पंडित देवी दीन पांडेय ने आस पड़ोस के गांवों से सूर्यवंशी क्षत्रियों को लेकर युद्ध किया, किंतु मुगल फिर जीत गए। महाराजा रणविजय सिंह के शहीद होने के पश्चात उनकी पत्नी रानी जय कुमारी हंसावर ने 3,000 स्त्रियों की सेना को लेकर युद्ध किया। ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें गहरी जमी हुई थी, लेकिन भारत ये अपमान कैसे सहता। श्री राम मंदिर पर यह आक्रमण भारत को आहत कर गया था। विदेशी हमलावर अपनी बर्बरता दिखाते गए और भारत अपने आत्मगौरव को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा। ये सब होते होते कालचक्र में समय आया औरंगजेब का। उसके काल में भयंकर दमन चक्र में समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बाबा वैष्णवदास जी ने 30 बार मुगलों पर आक्रमण किया। उसी समय उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से मदद मांगी थी। तब चिमटाधारी साधुओं और गुरु गोविंद सिंह जी की सिख सेना ने मिलकर मुगलों से भीषण युद्ध किया था और राम जन्मभूमि की रक्षा भी की, उसे मुक्त किया। किंतु कुछ समय बाद विशाल शाही सेना ने कत्ले आम मचाकर वहां कब्जा कर लिया था। सरयू कई बार रक्त से लाल हुई, कभी स्थानीय शासकों ने तो कभी साधु संतों और राम भक्तों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। फिर 1717 में यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आस पास वाली जमीन उनको मिल जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन वो मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। ये वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा किया करते थे।
फिर लगभग 300 सालों बाद 1813 में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिरों जैसी कलाकृतियों के मिलने की बात अपनी रिपोर्ट में की, जिसे पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में लिखा हुआ है। उसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटेगो बैरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो खंभे जो पिलर्स हैं वो मंदिर से लिए गए हैं, और इसके बाद तो हंगामा बरप गया था। लेकिन इस दावे के बाद विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी शुरू हुई। 1855 तक एक ही जगह पूजा और नमाज दोनों चलते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश मिला, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने बाहर राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। फिर 1885 में, आज से लगभग 138 साल पहले, ये मामला अदालत में गया, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। यानी निर्मोही अखाड़ा इतने सालों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ता आ रहा है। इस तरह रिकॉर्ड कहते हैं कि कुल 76 बार युद्ध हुए, जिसमें हमारे पूर्वज लड़े, मरे, बलिदान दिया। कुछ मोर्चे हम हारे, लेकिन रण जीतने का संकल्प कभी कम नहीं हुआ। भक्त और सनातन हिंदू समाज तलवारों से रक्त रंजित हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। फिर आया 15 अगस्त 1947। देश की आजादी के साथ सैकड़ों सालों से चले आ रहे इस संघर्ष में एक नई ऊर्जा और एक नया मोड़ आया। अचानक 23 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम लला प्रकट हुए। हजारों राम भक्त दर्शनों के लिए उमड़ पड़े, लेकिन दूसरा पक्ष ने कहा कि वहां मूर्तियां जबरन रखी गई हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश सरकार को श्री राम लला को विवादित ढांचे से हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के कलेक्टर के नैयर को यह काम दिया और निर्देश भी कि जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करें। अयोध्या के कलेक्टर के नैयर ने सरकार को उत्तर दिया कि नर संहार के बिना यह संभव नहीं, और फिर भी यदि सरकार चाहती है तो किसी और कलेक्टर से ऐसा करवा ले, मैं नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप रामलला के विग्रह वहीं विराजित रहे। विवादित ढांचे को बंद कर दिया गया, केवल पुजारी को सेवा अर्चना के लिए भीतर जाने की अनुमति थी। फिर भी राम भक्त विवादित ढांचे के बाहर से प्रभु श्री राम की आराधना करते रहे। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की पूजा करने का अधिकार देने की मांग करते हैं। और फिर इसके बाद अगले 35 सालों तक सनातन हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस स्थान के अधिकार का दावा करते रहे, लेकिन होता कुछ नहीं। भारत के सनातन हिंदू समाज के लिए चुनौतियां और बढ़ गई थी। मामला अदालत में गया। विपक्षियों द्वारा अब भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए गए। उनके अयोध्या में जन्म लेने का प्रमाण मांगा गया। भारत का जनमानस आहत था कि आजाद भारत में भी हिंदू सनातन समाज को अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा था। चुनौतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश भर के संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आह्वान किया और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन भी। इन्हीं संतों में से भगवान के महान भक्त उडुपी पेजावर मठ के विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में अभूतपूर्व आंदोलन की शुरुआत की। परम पूज्य विश्वेश्वर स्वामी महाराज ने कहा था कि मेरे जीवन काल में ही अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला होगा, और हम सभी जानते हैं कि ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान कभी नकार नहीं सकते। बहरहाल उस समय की बात करें तो देश भर में राम जानकी की रथ यात्राएं निकली। राम लीलाओं में राम कथा के माध्यम से आम जनमानस फिर से जुटा। श्री राम ज्योति यात्रा भी जन जागरण करने वाला एक सफल आयोजन सिद्ध हुआ। अब सबके मन में बस एक ही प्रण था, एक ही लक्ष्य था कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांव गांव से रामशिला पूजन कर अयोध्या भेजी गई। कुल 2,75,000 गांवों से रामशिला अयोध्या आई थी।
भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का निर्णय हुआ तो पूज्य संत महात्माओं और हिंदू समाज के अन्य प्रमुख नेताओं के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता श्री कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1989 को मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा था। राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य के लिए 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देश में जन भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। इस रथ यात्रा से मंदिर का समर्थन बढ़ने लगा और छद्म सेकुलरवाद बेनकाब होने लगा। इस आंदोलन को रोकने की अनेक कोशिशें हुई पर सब व्यर्थ। इसी बीच आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिक एविडेंस को वेरीफाई करने के लिए कोर्ट ने कैनेडियन एजेंसी को हायर किया। उन लोगों ने राडार सेंसिंग से बताया कि नीचे सॉलिड स्ट्रक्चर है। फिजिकल वेरिफिकेशन तभी होगा जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसकी खुदाई करे। तब उसकी जो खुदाई हुई उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम थी उसमें थे के मोहम्मद जी, और ये सब कोर्ट के आदेश से हो रहा था। कोर्ट के आदेश से जब खुदाई हुई तो उसके सारे रिपोर्ट्स, साक्ष्य, एविडेंस बने जो चिल्ला चिल्ला कर राम मंदिर का प्रमाण दे रहे थे। इस रिपोर्ट्स और साक्ष्य को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर तीन हिस्सों में बांट दिया। मगर तीनों ही पक्षों ने इससे असहमति जताई। संघर्ष फिर चलता रहा। विश्व हिंदू परिषद ने देशवासियों से अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया। परिणाम स्वरूप लाखों राम भक्त देश के कोने कोने से अयोध्या आए। इससे देश की एकता का विराट दर्शन हुआ। इस कार सेवा को रोकने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने परिंदे को भी पर ना मारने देने की घोषणा की। स्थितियां गंभीर हो गईं। अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर पर ही रेलगाड़ियां, ट्रेन रोक दी गईं। अयोध्या युद्ध भूमि बना दी गई। मार्ग बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। अयोध्या सैनिक छावनी में बदल गई थी। रामनाव पर ऐसी पाबंदी कि अर्थी ले जा रहे लोगों तक को रोका गया क्योंकि वो राम का नाम बोल रहे थे। लेकिन वही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। राम के गीत गाते, होठों पर हंसी और पांव में छाले लिए राम काज के लिए राम भक्त देश विदेश से अयोध्या पहुंचने लगे। कार सेवकों पर गोलियां चली। अनेक कार सेवक शहीद हुए। इन्हीं में से एक थे कलकत्ता के कोठारी ब्रदर्स, जिन्होंने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा ही दिया। इस तरह कार सेवा सफल हुई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने भारत की सुप्त आत्मा को झकझोर कर जगा दिया था। एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान किया। अदालत के लिए इससे परमिशन मांगी गई लेकिन अदालत ने कोई उत्तर नहीं दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध, जैन, सिख, स्वामीनारायण संप्रदाय, गायत्री परिवार, हर मत, पंथ, विचार, हिंदू, सनातनी एकत्र हो गए। छूत अछूत का भेद मिटा, जाति पहचान मिटी। हम सब हिंदू, हम सब सिंधु बन गए। राम सिंधु में ज्वार उठा और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि से बांबरी ढांचा सदा के लिए हट गया, जिसको एक बहुत अच्छे विद्वान ने डी कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी स्ट्रक्चर, बहुत सटीक शब्द, मतलब कि हमने किसी चीज को डेमोलिश नहीं किया, हमने डीकंस्ट्रक्ट किया। रामलला की भूमि थी, किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्ट कर दिया था, हमने उसको डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। और इस तरह यह क्षण सत्य न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था। यतो धर्मस ततो जय का क्षण था। अभूतपूर्व क्षण का एक रोमांचित करने वाला दृश्य जो शायद हमारी पीढ़ी को याद हो कि जिस समय फायरिंग के बाद वहां कोई नहीं था तो हनुमान जी के रूप में एक वानर ध्वजा को पकड़े वहां बैठे हुए थे। पर संघर्ष की गाथा यहां जाकर भी नहीं थमी। छद्म सेकुलरवादियों द्वारा भारत और भगवान श्री राम के इतिहास को झुठलाने के लिए अदालतों में चुनौतियों का सिलसिला चलता रहा जो 1950 से चल रहा था। सनातनी सिखों के बीच से भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए विवश थे। ये स्थिति थी आजाद भारत में श्री राम और उनके भक्तों की। पर सत्य को जीतना ही था। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की है। और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। उसके आदेश के अनुसार भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया और राम जन्मभूमि न्यास की भूमि जो सरकार द्वारा अधिग्रहित थी
उसे उस ट्रस्ट को न्यास को वापस दे दिया। फिर 5 अगस्त 2020 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस तरह लगभग 500 वर्षों से राम जन्मभूमि की मुक्ति के संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। श्री राम भारत की आत्मा, भारत की परिभाषा है। हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हर सनातनी के होठों पर जन्म से मृत्यु तक रहे, बस यही हर सनातनी के हृदय में प्रार्थना होती है। राम दक्षिण से उत्तर तक, कन्याकुमारी से हिमालय तक, जन जन को एकता के बंधन में बांधने वाले रक्षा सूत्र हैं। राम मंदिर निर्माण संपन्न, सुखी, सर्वशक्ति संपन्न स्वराष्ट्र का सूर्योदय तो है ही, बल्कि उस राम राज्य की दिशा में वो कदम है जिसकी अभिलाषा राज राजेंद्र चोल, कृष्णदेवराय, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से लेकर सभी सनातनी और राम भक्तों ने की थी। 2.7 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा, 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सनातन हिंदुओं का मंदिर होगा। सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें वो दर्शन, वो अभिषेक, उस पल को अनुभव करने का मौका मिल रहा है जो त्रेता युग में अयोध्या वासियों को मिला था। ऐसा पल जो सदियों में आया है, लेकिन सदा के लिए आया है। स्वर्गलोक के देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, उस दिन को जीने का भाग्य हमारी किस्मत में जगा है। तो इसे ऐसे ही जाने ना देना। भगवान श्री राम के स्वागत में घर, आंगन, दुकान, बाजार सबको दीपों से सजा देना, रंगोली बनाना, मिठाइयाँ बनाना, बधाइयाँ देना कि हमारे प्रभु राम आए हैं। ये धरती सच में अयोध्या का रूप बन जानी चाहिए। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के इस अवसर को हाथ से गंवाना मत। 22 जनवरी को दिवाली जरूर मनाना। अयोध्या में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर न केवल राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। अब वो महान संकल्प पूरा हो रहा है। आइए इस राम यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ में जिन ज्ञात और अज्ञात भारतीयों ने अपनी आहुतियां दी हैं, उनका पुण्य स्मरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करें। और मंदिर बनने के बाद तो अब हमारी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाएगी। हमें सीखना है कि हमें छोटे मोटे जाति और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठना है। सनातन धर्म की महिमा को, श्री राम की महिमा को विश्व से अवगत कराना है। सनातन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं को खुद भी समझकर जीवन में उतारना है और सबको बताना है, ताकि कोई भी आने वाले समय में हमें किसी भी आधार पर ना तो तोड़ पाए, ना ही हमारे आत्मसम्मान और गरिमा को कोई ऐसा घाव दे पाए जिसके लिए फिर से सैकड़ों वर्षों तक लाखों लोग बलिदान यज्ञ में अपनी आहुतियां देते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।